नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार जो सब्जेक्ट है वो तुला राशि वालों भाई बहनों के लिए है, और उनके लिए मई महीने का फल कैसा रहेगा उसके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले तुला राशि, ऐसे भी मैंने कई बार जिक्र किया है कि भाई बहुत ही अच्छा इनका देखने जाएगा तो टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत से व्यक्ति पर्सन अभी भी बोल रहे हैं कि अभी इतना टाइम हमारा अच्छा नहीं है, क्या है मालूम नहीं है। उनके लिए फिर क्या है, उनकी कुंडली में गोचर के ग्रह कैसे चल रहे हैं, उनकी कुंडली में जन्म के ग्रह ऐसे होते हैं वो गोचर के ग्रह से मिलते हैं तो वो फल का नतीजा तय करते हैं। फिर भी ओवरऑल देखने जाएंगे तो तुला राशि अभी अच्छी राशि गिनी जाती है, और सही में अभी मई महीना इनके लिए बहुत ही लक्की साबित होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में खुद मंगल महाराज अभी फोर्थ हाउस में भ्रमण करने वाले हैं, और सूर्य भी खुद ऊंच के चल रहे हैं सप्तम स्थान में, बुध महाराज भी चल रहे हैं सूर्य के साथ, दोनों शुद्ध बुधादित्य योग बना के चल रहे हैं, और राहु दशम स्थान में है, और शुक्र इनका बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लग्नेश का अष्टम स्थान में जाना ऐसे देखा जाएगा तो वो खराब है, लेकिन वो अपने घर में है, खुद की राशि में है। शुक्र यहाँ खुद वृषभ राशि में है, ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट गिना जाता है। इसलिए ओवरऑल अभी देखने जाएंगे तो 14-5 तक में इनको कोई ऐसा बड़ा पैसों से लगता काम इनका बनने के पूरे आसार है। जितने भी भाई बहन बिल्डर हैं, जो भी व्यक्ति पर्सन दलाली ब्रोकरेज से लगता काम कर रहे हैं, उनको भी ये टाइम बहुत ही अच्छा मई महीने के लिए साबित होने वाला है। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं वो बार बार पूछते कि भाई अभी तक हमको ऐसा कोई हिसाब किताब मिला नहीं है, लेकिन मई महीने के अंदर ये ग्रह गोचर आपको बहुत से अच्छे तोहफे देके जाने वाला है, क्योंकि मंगल खुद यहाँ मकर राशि में केतु के साथ, वो भी फोर्थ हाउस में, और शुक्र खुद अष्टम स्थान में चल रहा है, और सूर्य भी इतना भारी होके ऊंच का, इतना सूर्य बलवान है कि पूछो मत, और बुध खुद साथ में बैठा हुआ है, बुधादित्य योग भाग्य का खुद सूर्य के साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा राजयोग बना हुआ है। इसलिए ये टाइम के अंदर आपको मई महीने के अंदर पैसे पाने का कोई बड़ा आपका हिसाब किताब आपके हाथ में लग सकता है। आपका काम काज, रोजी रोटी, जॉब है उसमें भी बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको नज़र आने के पूरे आसार दिख रहे हैं, और शुक्र बहुत ही अच्छा है 14-5 तक, और इसके बाद भी वो भाग्य स्थान में जाएगा 15 के बाद भी, वो भी बहुत ही सुंदर राजयोग बनाने वाला है। इसलिए जितने भी अपने तुला राशि वाले भाई बहन हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही लक्की गिना जाएगा, क्योंकि चंद्र भी गुरु के साथ बैठा हुआ है, ये भी एक राजयोगी चल रहा है, मंगल केतु के साथ शनि भी खुद थर्ड हाउस में चल रहा है, और सूर्य खुद ऊंच का राहु दशम स्थान में। मैंने जैसे आगे आपको बताया है कि राहु का दशम स्थान में गोचर का भ्रमण आदमी को कोई बड़ा हिसाब किताब देने के लिए पर्याय होता है। बोले राहु क्या होता है, राहु एक दिन में व्यक्ति पर्सन को कोई बड़ा हिसाब भी दे सकता है। राहु माने जिसकी कोई रेंज नहीं हो, राहु माने माया विग्रह है, वो कुछ भी कर सकता है। वो दशम स्थान में राहु गोचर में व्यक्ति पर्सन को बड़ा हिसाब किताब देने के लिए लायक है। इसलिए तुला राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए मई महीना बहुत ही अच्छा साबित होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।